नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 397वां एपिसोड। आज है भाई 11 सितंबर 2021। पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ घटा है क्रिकेट दुनिया में, आईपीएल की दुनिया में, और पिछले 24 घंटे की 10 बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। बहुत बड़ी रिपोर्ट है आईपीएल को लेकर, क्योंकि आईपीएल में ऐसा हो सकता है कुछ ऐसा जो कि शायद आईपीएल को फिर से थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक ले आए। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, हमने हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें छोटी सी मदद कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं, यहाँ के नीचे से लाइक बटन को अभी हिट कीजिए, वीडियो को अभी लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिनभर की पहली बड़ी खबर के हवाले से। तो ये रिपोर्ट आ रही है इंडिया इंग्लैंड लास्ट टेस्ट से जुड़ी हुई, इसके बारे में आपको कल से पता लग ही गया होगा, लेकिन ये खबर आप तक पहुंचानी क्यों जरूरी है, जब आप इस वीडियो को आगे तक देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन खबर बुरी है, इंडिया इंग्लैंड फिफ्थ टेस्ट मैच को कैंसल किया गया है, और कुछ तो ये भी बोल रहे हैं कि इसे पोस्टपोन किया गया है, अगले साल भी खेला जा सकता है ये टेस्ट मैच। तो ये जो रिपोर्ट आई है ये सचमुच भारतीय क्रिकेट के लिए बुरी है, लेकिन ये सिर्फ पहली बुरी खबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब दोस्तों दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के हवाले से कुछ अच्छी रिपोर्ट्स आई है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आज अपने सारे खिलाड़ियों को मैनचेस्टर से दुबई लाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट ये निकल कर आ रही है दोस्तों कि सैटरडे, मतलब आज चेन्नई शाम तक मैनचेस्टर से अपने सारे सीएसके बाउंड प्लेयर्स को दुबई में उतार सकता है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यूएई में भी 6 दिनों का क्वारंटाइन होगा, मैंडेटरी क्वारंटाइन होने वाला है 6-6 दिनों का, क्योंकि टेस्ट मैच अब नहीं हो रहा है इसलिए बबल टू बबल ट्रांसफर को वैलिडेशन नहीं मिला है, तो क्वारंटाइन भी होगा, टेस्ट वेस्ट भी हो गए, इसलिए चेन्नई ये पहली टीम बनी है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि किस टीम को जल्द से जल्द अपने खिलाड़ी को सबसे पहले लाना चाहिए। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स नीचे आपके लिए दिया है, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो साउथ अफ्रीका के हवाले से कुछ वैसी ही रिपोर्ट आ रही है जैसे दो दिन पहले परसों के दिन भारत के हवाले से आई थी। भारत ने महेंद्र सिंह धोनी को मेंटर बनाया था, साउथ अफ्रीका ने भी दोस्तों जेपी डुमनी को वर्ल्ड कप जो होने वाला है T20 वर्ल्ड कप उसके लिए अपना कंसल्टेंट बना दिया है। एक तरह से इनका रोल भी मेंटर की ही तरह होगा। तो जो पिछले 5 सालों में जिन खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है उनकी तरफ अब क्रिकेट बोर्ड्स का झुकाव हम देखते हुए देख रहे हैं, जो जिन्होंने अपनी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने संन्यास लिया। तो इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्या इन खिलाड़ियों के आने से, पुराने खिलाड़ियों के मेंटर बनने से, कंसल्टेंट बनने से कुछ फायदा होगा या नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो रिपोर्ट बीसीसीआई के हवाले से है। बीसीसीआई प्लानिंग कर रहा है कि भाई 12 सितंबर मतलब भाई कह लेना कि कल तक सारे यूनाइटेड किंगडम्स यूके के खिलाड़ी और भारत के खिलाड़ियों को आईपीएल के लिए दुबई में उतारा जाए। फिर बोल रहा हूं 6 दिनों का मैंडेटरी क्वारंटाइन है, तो ये हम बोल सकते हैं यहां से कि कल सारे प्लेयर्स यूके से, मैनचेस्टर से दुबई आ सकते हैं। और इनके आने के बाद क्या होगा, क्या नहीं, किस तरह से होंगे, रिपोर्ट्स किन की क्या आएगी, वो आगे इस वीडियो में बता देता हूं, क्योंकि भाई बहुत बुरी खबर आईपीएल को लेकर है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी बात करते हैं दोस्तों दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। दूसरी जो रिपोर्ट आ रही है ये वरुण चक्रवर्ती के हवाले से आ रही है, आईपीएल यूएई को लेकर। वरुण चक्रवर्ती ने बड़ी बात कह दी, उन्होंने कह दिया कि वर्ल्ड कप से पहले, T20 वर्ल्ड कप से तुरंत पहले यूएई में आईपीएल खेलना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है भारतीय टीम के लिए। और जैसा कि हम बोल रहे थे, हालांकि कुछ लोग हमारे खिलाफ भी इस पर बोले, लेकिन जैसा कि हम बोल रहे थे कि भारत का ये अगर आईपीएल होता है और उसके बाद वर्ल्ड कप होता है, टीम इंडिया एक बहुत बड़े एडवांटेज के साथ उतर सकती है। इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर बोल रहा हूं कमेंट बॉक्स, यूट्यूब ने अपने आपके लिए दिया, कमेंट जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अब दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो भाई 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि ना सिर्फ टेस्ट मैचेस को कैंसिल कराए हैं, पूरा आईपीएल को कैंसिल करा सकते हैं। 7 भारतीय खिलाड़ी पॉजिटिव आ सकते हैं। कौन है वो, क्यों पॉजिटिव आ सकते हैं, उनके नाम देख लीजिए। रोहित शर्मा, जिन्होंने इलाज कराया था अपना फिजियो से। मोहम्मद शमी, जो कि क्राउड के साथ केक काटते हुए नजर आए थे। ईशान शर्मा, पुजारा, जो जिन्होंने भी अपना इलाज कराया था। रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज और केएल राहुल। इस तरह से इन 7 खिलाड़ियों के ऊपर बीसीसीआई थोड़ा सा रडार लगाकर बैठा हुआ है। बीसीसीआई को डर है कि आने वाले 2-4 दिनों की टेस्टिंग में इन 7 प्लेयर्स में से कोई ना कोई पॉजिटिव आ सकता है। और फिर बोल रहा हूं, अगर इनमें से कोई पॉजिटिव आता है,
अगर ये कोई सा भी खिलाड़ी भाई आईपीएल के बायो बबल में भरा गया, घुस गया, एंट्री ले गया और उसके बाद कोई पॉजिटिव आया, पूरे आईपीएल को तबाह कर देगा। इसीलिए बोल रहा हूं भाई कि अब बीसीसीआई को फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है, वरना यूएई में भी आईपीएल का वही हर्ष हो सकता है जिस तरह का हमने इंग्लैंड में देखा। इंग्लैंड में लचर बायो बबल के कारण हम देख रहे थे जारवो की एंट्री हो रही है, कभी कभी मोहम्मद शमी केक काट रहे हैं। तो एक लचर बायो बबल था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का, जिसके चलते इतने ज्यादा पॉजिटिव केसेस आए। रवि शास्त्री को देख लीजिए, बुक को लॉन्च कर रहे थे, तो ये बहुत बुरी रिपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अब दिनभर की सातवीं बड़ी खबर की। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है संजू सैमसन के हवाले से निकल कर आई है। संजू सैमसन ने कहा है कि कैप्टेंसी इज नॉट ए ह्यूज टास्क। उन्होंने कप्तानी को लेकर साफ साफ कह दिया है कि कप्तानी कोई इतनी बड़ी चीज उनके लिए आईपीएल में नहीं है, इतना कठिन नहीं है। हालांकि अभी तक जितनी कप्तानी हमने संजू सैमसन की देखी, खिलाड़ी मिसिंग रहे हैं लेकिन जितनी कप्तानी हमने संजू सैमसन की देखी है वो उतनी ज्यादा इंप्रेसिव दिखी नहीं है कि उन्हें उठाकर सीधा हम बहुत बड़े कप्तान का दर्जा दे दें, लेकिन वो खुद कप्तानी के खिलाफ ही बात एक तरह से कर रहे हैं। तो इन सब पर आप क्या बात कर रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की आठवीं बड़ी खबर की। टेस्ट मैच तो कैंसिल हो गया है, पांचवा टेस्ट मैच नहीं होगा, लेकिन इस टेस्ट मैच के कैंसिल होने से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को लंबा चौड़ा बिल झटका लग गया है। 200 करोड़ रुपए का नुकसान इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को हुआ है। ये नुकसान टिकटिंग के जरिए होने वाली कमाई का हुआ है, एड रेवेन्यू का और टीवी जनरेटेड रेवेन्यू का हुआ है। ये बहुत पैसा होता है, तभी भारत और इंग्लैंड सीरीज खेलते हैं इंग्लैंड की धरती पर, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बहुत फायदा होता है, तभी वो बार बार भारत को बुलाते भी हैं, जिस तरह से अगले साल फिर से सीरीज है। लेकिन इस 200 करोड़ रुपए की भरपाई इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को करना बहुत जरूरी होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब दिनभर की नौवीं बड़ी खबर की। तो भाई शिखर धवन का डिवोर्स हो गया, वेरी सैड न्यूज, बहुत बुरी खबर आई थी परसों के दिन आई थी। लेकिन इसके बावजूद भी शिखर धवन यूएई में, और उन्होंने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि वो फोकस्ड है डिस्पाइट इस डिवोर्स। उनका डिवोर्स होने के बावजूद भी वो इस समय खेल पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या धवन का कुछ नया रूप दिखेगा? क्या धवन वर्ल्ड T20 में अपनी जगह पक्की ना होने का भी बदला लेंगे? मुझे नहीं पता है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। YouTube ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, फिर बोलता हूँ लगातार कमेंट जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की दसवीं बड़ी खबर की। श्रीलंका की स्क्वाड का ऐलान वर्ल्ड T20 के लिए हो गया है। हालांकि ये जो स्क्वाड आई है इसमें बहुत सारे अननोन फेसेस होंगे इंडियंस के लिए, क्योंकि हम इतना श्रीलंकन क्रिकेट को अब फॉलो नहीं कर रहे हैं जितना शायद 8-10 साल पहले करा करते थे, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बर्बादी की तरफ गया है। लेकिन क्या ये चोकर्स जो है, चोकर्स तो खैर कहेंगे नहीं, फसड्डी टीम ही है, क्या ये फसड्डी टीम किसी तरह का सरप्राइज दे पाएगी वर्ल्ड कप में? आप अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बताइए इनमें से कौन चलेगा। ये तो थी दोस्तों दिनभर की 10 बड़ी खबरें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, आपको कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं। YouTube के कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया हुआ है, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए।